हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस पे बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कुछ एक फैक्ट्स जान लेते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हैपेंड इन 1956। दोस्तों, अंग्रेज इंडिया को बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे। उसके बाद इंडिया के स्टेट्स को रीयूनाइट किया गया, उसके बाद रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इसमें हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। रीऑर्गेनाइजेशन उसके बाद एक बार फिर हुआ सन 1956 में। ठीक है, 1956 में। ओके, नेक्स्ट फैक्ट, इन 1960s स्टेट पॉलिटिक्स बिकेम अ सेपरेट स्पेशलाइज सब्जेक्ट टू बी स्टडीड। 1960 से पहले स्टेट पॉलिटिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, इसको स्टडी नहीं किया जाता था। 1960s में स्टेट पॉलिटिक्स को महत्व दिया गया, उसको अलग सब्जेक्ट की तरह, स्पेशलाइज सब्जेक्ट की तरह स्टडी करना स्टार्ट किया गया। इसके अलावा अ फ्यू डेवलपमेंट्स हैपेंड इन 1950s एंड 1960s दैट स्टार्टेड दिस न्यू एरा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन सी एरा की बात कर रहे हैं बाय द वे? उस एरा की जहां पर स्टेट पॉलिटिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाने लगा। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले अ सेमिनार वॉज हेल्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन ईयर 1961 एंड अ रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन एशियन सर्वे ऑफ जून 1961। ठीक है, उसमें जो सेमिनार हुआ उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिंट की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1961 में सेमिनार हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर वो पब्लिश की गई थी एशियन सर्वे ऑफ जून 1961 में। उसके बाद क्या हुआ? एक और सेमिनार हुआ कहां पर? MIT में, US में। 1964 साल था और इसके जो रिपोर्ट्स थी, इसके जो लेक्चर्स थे, इनको इनको एक बुक में प्रिंट किया गया। ठीक है, कौन सी बुक थी? स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड 1968, एडिटेड बाय मायरन वीनर या मायरन वाइनर, जो भी इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन है। इसको एक बार और एडिट किया गया। किसने किया? इकबाल नारायण ने। दिस टाइम इट कवर्ड इश्यूज इन असम एंड JNK एज वेल। मतलब इकबाल नारायण की जो इन्होंने 1976 में, मेरे ख्याल से इन्होंने एडिट किया था इस बुक को, मतलब 1976 में पब्लिश हुई थी इकबाल नारायण की एडिट की हुई बुक। अब आ जाते हैं 1950s की तरफ। 1950s जहां पर इंडिया में नेहरूवियन मॉडल को फॉलो किया जाता था, वो था दशक 1950 का। ठीक है ना, कुछ एक फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले सिंगल पार्टी डोमिनेंस इन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स में एक ही पार्टी डोमिनेट करती थी पूरी पॉलिटिक्स को। कौन सी पार्टी करती थी? INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में बोले तो कांग्रेस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो डोमिनेंट पोजीशन में थी नेचुरली, और स्टेट गवर्नमेंट सेकेंडरी पोजीशन में थी। नो सेपरेट पॉलिसीज बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। दोस्तों, इस सेंटेंस को फ्रेम करने में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सही तरीके से। जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, इनके पास कोई पावर नहीं थी, नो पावर, ठीक है, अपने सेपरेट पॉलिसीज फ्रेम करने की, अपनी सेपरेट पॉलिसीज बनाने की कोई पावर नहीं थी इनके पास। इनको चुपचाप वही बात माननी पड़ती थी जो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती थी। ठीक है, कांग्रेस का राज था बेसिकली पूरे इंडिया पे। चेंजेस टुवर्ड्स 60s। 60 के दशक में आते आते चेंजेस होने लगे। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे, बाकी दुनिया में इतनी शांति नहीं थी। इंडिया के केस में देखें तो बड़ी डिस्टर्बेंसेस बढ़ रही थी। नागा एंड मिजो इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा इंसर्जेंसीज हो रही थी। उसके अलावा JNK में भी प्लेबिसाइट फ्रंट खुल चुका था। ठीक है, यहां तक कि हमारे जो सदर्न स्टेट्स थे वहां पे रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, और तमिलनाडु जो कि उस टाइम पे मद्रास के नाम से जाना जाता था, वो इंडिया से खुद को अलग करने की बात कर रहा था। ठीक है, सेसेशन ऑफ तमिलनाडु देन मद्रास फ्रॉम इंडिया, उस टाइम पे मद्रास के नाम से जाना जाता था, याद रखना। ठीक है, दलित मूवमेंट्स थ्रू आउट द कंट्री, पूरी देश में चल रहे थे दलित मूवमेंट्स। सोशलिस्ट मूवमेंट्स भी पूरे इंडिया में चल रहे थे। लिंग्विस्टिक प्रमोशन एंड ऑपोजिशन बाय नेटिव स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। हिंदी को पूरे देश में प्रमोट करने पर तुला हुआ था, और जो बाकी स्टेट्स थे, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है, बंगाली बंगाल में बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो बाकी के जो स्टेट्स थे वो इस चीज को अपोज करने में लगे हुए थे नेचुरली। ठीक है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइज ऑफ रीजनल लीडर्स इवन इनसाइड कांग्रेस।
बड़ा एग्जाम्पल चौधरी चरण सिंह वर्सेस कांग्रेस इन यूपी। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े लीडर थे अपने टाइम के, यहाँ तक कि वो इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस में रहकर अपनी साख बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर, खूब काम किया लोगों के लिए, खूब काम किया कांग्रेस के लिए, और 1967 में वो कांग्रेस से अलग हो गए। उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल हुए और अंत में वो एमरजेंसी के हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं बता देता हूँ एमरजेंसी में उन्होंने अपोज किया था इंदिरा गांधी की सरकार को, और उसके बाद जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उसमें वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा नाम है चौधरी चरण सिंह। मूवीज में कैबरे और इंडिया में, इंडिया की पॉलिटिक्स में डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी। ठीक है, 70 का दशक कांग्रेस स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल फ्रॉम स्टेट्स। अब कांग्रेस का कंट्रोल स्टेट से कम होने लगा था, ठीक है ना, कांग्रेस बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई थी। जो स्टेट्स पे एक टाइम पर कांग्रेस ने जो आजादी के बाद लगभग 15-20 साल इन्होंने ऐसा राज किया था कोई हिसाब नहीं है, उसके बाद इनका जो कंट्रोल था कांग्रेस का वो स्टेट्स के ऊपर से छूटने लगा था। सेंटर में कांग्रेस बैठी थी मगर स्टेट्स के ऊपर से कंट्रोल छूटने लगा था। बहुत बड़ा काम हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था दोस्तों। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, जो गांव के किसान थे, जो बड़े जमींदार थे जिनके पास काफी सारी जमीन थी, वो अमीर हो गए थे। ठीक है, अब वो एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक बन चुका था पॉलिटिक्स को डिसाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर बन चुके थे वो लोग। कौन? रिच फार्मर्स। ओके ओके। इसके अलावा इंडिया सॉ राइज ऑफ फार्मर यूनियंस। ऑब्वियसली अगर फार्मर्स थोड़े पावरफुल बनेंगे तो उन्होंने यूनियंस बनानी स्टार्ट की, और इसका एक एग्जाम्पल है भारतीय क्रांति दल लेड बाय चरण सिंह। इसके अलावा राइज ऑफ नेशनल लेवल लीडर्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, विद स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन स्टेट्स स्पेशली आफ्टर एमरजेंसी। एमरजेंसी में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एमरजेंसी में बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के लीडर्स सामने आए थे, बहुत नए नए चेहरे आए थे। इनमें से एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत बड़ा नाम है, बेहिसाब बड़ा नाम है, लोकनायक जेपी नारायण का। उन्होंने चेंज करके रख दिया पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स को। 80 की तरफ आते हैं दोस्तों, 1980s, 80 का दशक। एमरजेंसी हट चुकी है, जनता सरकार फेल हो चुकी है, कांग्रेस दोबारा आ चुकी है। तीन बड़े पॉइंट्स हैं इस डेकेड को डिफाइन करने के लिए, सोशल मूवमेंट्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और किसान यूनियंस, ठीक है ना। सोशल मूवमेंट्स को पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट था फार्मर मूवमेंट्स। इंसर्जेंसीज हुई थी बहुत ज्यादा JNK में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह बढ़ चुकी थी, सदर्न स्टेट्स में भी काफी ज्यादा, इनफैक्ट पंजाब में भी। पंजाब का तो बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, अगर आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो, ठीक है, पंजाब को आप पढ़ना चाहो तो इंटरनेट पे, बल्कि मैं तो इंसिस्ट करूंगा इंटरनेट पे जाके आप पढ़ो पूरी हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के बारे में। इसके अलावा ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, जैसा हमने पीछे पढ़ा था तमिलनाडु अलग होने की बात कर रहा था, और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स भी बहुत सारे इसमें एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए थे, जिसमें से सबसे बड़ा था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। ट्राइबल मूवमेंट्स भी इसी का हिस्सा थे, ठीक है, और इससे थोड़े अलग भी थे, ट्राइबल मूवमेंट्स भी काफी देखने को मिले थे। इसके अलावा दोस्तों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उदय हुआ था भारत में, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स सच एज दलित्स एज वेल एज बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज, नॉर्थ और साउथ पूरे देश में दोस्तों, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए ये, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर थे कि इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, ठीक है। अब इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता तो इनके ऊपर पॉलिटिक्स होनी ही थी, और अगर पॉलिटिक्स होनी थी तो इनके बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी BSP लेड बाय मायावती, ठीक है, करंटली लेड बाय मायावती। इसके अलावा जनता दल भी बने बहुत सारे, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड वगैरह वगैरह, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, शेतकारी संगठन, खेदियुक्त समाज, कर्नाटक राज्य रायत संघ एटसेट्रा, बहुत सारे थे। डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन, इनके कुछ एक पॉइंट्स ये थे, ये पहले रिजर्वेशन आरक्षण को डिमांड करते थे। दूसरी बात, ये स्टेट्स को, स्टेट की बाउंड्रीज को रीडिफाइन करके नए स्टेट्स बनाने की, उसमें थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड करते थे। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश को 4 या 5 अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग पाकिस्तान के बराबर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान नहीं रहता, इसीलिए ये माना जाता है
कि उत्तर प्रदेश के अगर चार या पांच अलग अलग स्टेट बना दिए जाएं तो उसको उन सभी स्टेट्स को सेपरेटली मैनेज करना आसान रहेगा। यही बात थी, यही पॉइंट था किसानों का, सरकार ढंग से हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, ठीक है। यही इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट, बेटर रिसोर्स अलोकेशन। वो कहते थे कि जो रिसोर्स अलोकेशन होती है सेंटर से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो, ठीक है। ये था 1980s का दशक, 1980s तक का इंडिया, यहाँ पे हमने देखा स्टेट पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन कब हुआ, 1991 में। तो अर्जेंटली मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया, उन्होंने कुछ एक चेंजेस किए, स्पेसिफिकली LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। जी ग्लोबलाइजेशन जो है ना उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, यह है 90s एंड बियॉन्ड। इसमें क्या हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI आने लगी, बाहर से FDI आने लगी। तो फिर क्या हुआ, बाहर से पैसा आने लगा। अब स्टेट्स बिकेम ऑटोनोमस फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ सेंटर। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि बाहर से अगर कोई कंपनी आती है इन्वेस्ट करने के लिए, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से बात, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया। अब कंपनी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी को बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स होने लगेंगी ना, कंपनी को ये लगेगा कि भाई इंडिया में हमें बिजनेस करने में प्रॉब्लम होती है, वहां स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में नहीं बनती, तो कंपनीज हाथ पीछे खींच लेंगी, वो पैसा इन्वेस्ट इंडिया में नहीं करेंगी, FDI इंडिया में नहीं आएगी। इसीलिए क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जितनी भी बनी थी उन्होंने कंट्रोल थोड़ा ढीला छोड़ दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोनोमस हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट्स खुद ही डील करने लगी कंपनीज के साथ में, ठीक है ना। उसके अलावा अनइवन या अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FDI विच रिजल्टेड इन डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स। मतलब किसी एक या दो या तीन या चार कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलने लगी और कुछ स्टेट्स पीछे छूट गए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा FDI पिछले साल भी सन 2020 में 2021 में भी सबसे ज्यादा FDI महाराष्ट्र और गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, इन तीन स्टेट्स में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सही कर दीजिएगा देखकर। बट इन तीन स्टेट्स में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई और ये हमेशा से ही ट्रेंड रहा है। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही आती है और कुछ एक स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा है, ये पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके अलावा राइज ऑफ सेवरल पार्टीज इन पॉलिटिक्स। अब देखो क्या हो गया, एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, डेमोक्रेसी हो गई। अब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं रही, अब क्या हुआ, कंट्रोल जो था स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में आ गया था और स्टेट गवर्नमेंट्स जैसी पॉलिसी बनाती उसी के हिसाब से लोग उनको पसंद या नापसंद करते। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आने लग गई, एक तरीके से फ्री मार्केट हो गई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जनता उसको वोट देगी, ठीक है। तो ये तो होना ही था, रीजनल पार्टीज का उदय हुआ इस टाइम पर। दोस्तों टाइम आ गया इस चैप्टर को यहीं खत्म करने का, छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इंट्रोडक्शन था ना इसीलिए, ठीक है। एंड नोट में कुछ एक बातें मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले देयर वर सर्टेन नॉन पॉलिटिकल इश्यूज दैट वर इनिशियली सोशल इश्यूज बट एंडेड अप बिकमिंग पॉलिटिकल इश्यूज। कुछ एक ऐसे इश्यूज थे जो कि शुरुआत में सोशल इश्यूज थे, पॉलिटिकल इश्यू नहीं थे, मगर वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, कि वो अंत में पॉलिटिकल इश्यूज बन ही गए। फॉर एग्जाम्पल कास्ट, रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज, रीजन, बहुत सारी बातें, ठीक है, इस टाइप के इश्यूज अंत में पॉलिटिकल इश्यूज बन ही गए। इसके अलावा ड्यू टू ऑल द फैक्टर्स वी मेंशन टुडे, हमने चैप्टर में जितना भी फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, द अप्रोच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट चेंज फ्रॉम नेशन स्टेट टू मोर ऑफ अ फेडरेशन। मतलब नेशन स्टेट कब का टॉपिक है, ये कब का कॉन्सेप्ट है, ये है लेट 19th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट। ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया वगैरह वगैरह बहुत सारे देश थे दोस्तों, ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वहां से आया था। मगर क्या हुआ, जब खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा वीक होने लगा। अमेरिका का, जब से अमेरिका का उदय हुआ उसके बाद सोवियत यूनियन, ठीक है ना, सोवियत यूनियन, USSR जो था बहुत बड़ा था दोस्तों, बहुत सारे कल्चर्स थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। तो एक नेशन स्टेट को पहले डिस्कस कर लेते क्या होता है। नेशन स्टेट होता है एक ऐसा देश जो कि कॉमनैलिटी के ऊपर बना हो, कॉमनैलिटी के ऊपर, ठीक है, ये कॉमनैलिटी कुछ भी हो सकती है, रेस के ऊपर हो सकती है, लैंग्वेज के ऊपर हो सकती है, किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है। मगर अब देश इतने डाइवर्स और इतने बड़े हो गए थे कि ये कॉमनैलिटी, एक कॉमनैलिटी पाना
बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए अब उन्होंने नेशन स्टेट को छोड़ के फेडरेशन का जो था कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका भी एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, उनके स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और पूरी कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। रशिया जो था, सोवियत यूनियन जो था, वो भी एक फेडरेशन था, और रशिया जो है आज भी अपने नाम में रशियन फेडरेशन लगाता है, ठीक है। इंडिया ने भी उसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और आज इंडिया भी जो है, इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे फेडरेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, यूनियन से फेडरेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। हैव अ गुड डे।